दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारतीय टीम हार चुकी है और अब इस टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। पिछले साल T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली ने T20 कप्तानी छोड़ी थी और फिर उनके वनडे की कप्तानी से निकाला गया था। विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं और विश्व में एक बेहतरीन कप्तान भी रहे। आज अचानक से विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली का यह फैसला चौंकाने वाला था। लेकिन दोस्तों हम आपको दोस्तों विराट कोहली ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पिछले 7 साल की मेहनत और हमने एक शानदार टीम बने। मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपना काम किया। काफी बार उतार चढ़ाव आए लेकिन हमने खुद के ऊपर से विश्वास नहीं किया। मैंने मेरा 120% दिया और जब मैं ये नहीं दे पा रहा था तो मैंने सोचा कि अब समय आ चुका है। मैं BCCI का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। रवि शास्त्री ने मेरा हमेशा साथ दिया और सभी साथी खिलाड़ी ने मेरा साथ दिया। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी जिसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कप्तानी का मौका दिया। दोस्तों विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जीते तो दक्षिण अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच जीतकर कमाल का प्रदर्शन किया। वही दोस्तों खबरों के मुताबिक BCCI और विराट कोहली के बीच कनबन की खबरें चल रही थी जिस वजह से विराट कोहली को वनडे का कप्तान से हटाया गया था और अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। इसमें सभी को काफी हैरानी हुई। दोस्तों आपको क्या लगता है अगले टेस्ट का कप्तान कौन होने वाले? अपना रिकमेंड बॉक्स में जरूर दे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे क्योंकि ऐसे ही आने वाली हर एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।